फिशिंग हार्बर जो कि रॉन्ग रूट नहीं है, उधर का रोड बंद कर दिया इसलिए इधर से जाना पड़ रहा है और उन लोग को भी इधर से ही आना पड़ रहा है। और इधर का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं, दिखने में काफ़ी अच्छा है इधर का। वो पूरा उधर से समुद्र के साइड इधर जो है पानी ज़्यादा है लेकिन इधर कोई आता नहीं है। और उधर का नज़ारा देखिए काफ़ी बढ़िया है। और वो साइड पे ना बहुत सारा फिल्म शूटिंग होता है जो वहाँ दूर है, शायद दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा कैमरा में, लेकिन अधिकतर फिल्म शूटिंग होता है वहाँ पे। और ये है फिशिंग हार्बर, एक बार चलते अंदर एक बार दिखाते हैं आप लोगों को कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। वहाँ पे सब मछली पकड़ने वाला लोग ज़्यादा रहता है, वहाँ पे बोट सब ज़्यादा रहेगा, लेकिन शायद इतना टाइम जाने दे या ना दे अंदर। ये गाड़ी में निकलना है सीधा फिशिंग हार्बर, जावा बाइक में। जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि फिशिंग हार्बर में जाने का प्लानिंग है आज, वहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है। और ये है मंदिर, मंदिर को अभी अभी बनाया है, लगता है काम रोक दिया है, तो पूरा अच्छा लगेगा जब बीच के सामने मंदिर भी रहेगा। तो देख लीजिए पूरा लाइन से बोर्ड रखा हुआ है, सब तैयारी कर रहा है जाने का। मछली एक से एक मछली देखने मिलता है। और ये है आइस, पूरा गाड़ी से आइस उतार रहे हैं, कुछ पाउडर है जो डाल रहे हैं, ट्रॉली लेके आ रहा है, ट्रॉली में भर भर के अंदर फिर डालेगा, फिर उसके बाद जाएगा ये लोग। ये देखिए यहाँ पे देखिए पूरा जिंदा केकड़ा है ना, बच के अंदर सच पे है ना, ये पूरा मर गया है। फिर वहाँ पे किलो के हिसाब से वेट हो रहा है, वहाँ वेट करके लोग फिर सप्लाई करेगा दूसरा जगह। इधर का बेकार हो गया इसलिए साइड पे रख दिया, और उधर का जितना भी है सब अच्छा है जो केजी के हिसाब से बिक रहे हैं। इधर का शायद बड़ा साइज है इसलिए साइड पे रखा है, और उधर से पूरा ये लोग सिर्फ केकड़ा ही रखा हुआ है। फिर आपको हम दिखाते हैं थोड़ा, पूरा केकड़ा है उधर, वहाँ पे सिर्फ केकड़ा रखा हुआ है। तो किसी किसी का मछली का रहता है, किसी किसी का केकड़ा का रहता है। ये पैकिंग कर दिया, अब पैकिंग करके जो है पैकिंग करके जहाँ भेजना भेज देगा। अब आपको हम उधर का दिखाते हैं, बहुत ही अजीब तरह दिख रहा है मछली। और उधर भी बहुत सारा है जो ये लोग सिर्फ इसका ही काम कर रहे थे कि वहाँ पे सब छोटा बड़ा सब साइज है जो सब अलग अलग कर रहा है। ये लोग पूरा पकड़ के लेके आता है, इन लोग का अलग सेक्शन है, उन लोग का अलग सेक्शन है, वहाँ पे सिर्फ केकड़ा है। अब क्या है ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार, फर्स्ट टाइम देख रहे हम कि ऐसा भी मछली आता है क्या। अब वहाँ पे डाला, अब आपको वहाँ पे दिखाते हैं। ये देखिए सब बड़ा साइज अलग छोटा साइज अलग, तो वहाँ उसका अलग रेट रहेगा इसका अलग रेट रहेगा। और अब आगे चलते हैं, इधर देख रहे पूरा लाइन से किसी का खाली खाली हो गया, कोई भर के लेके आ रहा है, इधर काम हो रहा है। देखिए चैन काट रहे हैं, सब अपना अपना जुगाड़ में है। इधर भी देखिए पैकिंग हो रहा है, सब लेके जा रहा है, इधर भी सब केकड़ा है मछली है, पैकिंग होके सीधा जाएगा, ये लोग बाहर बाहर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे बर्फ, और बर्फ मेन काम है, बर्फ अगर नहीं रहा ना तो फिर मछली खराब हो जाएगा। पूरा फिशिंग हार्बर में यही काम होता है, यहाँ पूरा मछली। देखिए ये जाली लेके जा रहा है इधर का, ये देखिए ये है झींगा मछली जो बर्फ में रखा हुआ था, इसके लिए ये धुआं निकल रहा है इसमें से, यानी कि ये पहले से बर्फ उसका नीचे रखा हुआ था तो बर्फ से जो है वो धुआं निकल रहा है। देखिए फिर वहां से लेके आया यहाँ डाला और उसमें से धुआं निकल रहा है जैसे आपको दिख रहा होगा। और वहां का नजारा सबसे अच्छा, पूरा मछली को टांगा हुआ है लाइन से मछली सब टांगा हुआ है, यानी कि वो लोग पहले जब पकड़ा होगा ना तो अंदर में जगह नहीं बना होगा, तो इसके लिए पूरा लाइन से सुखा दिया ताकि जगह भी बचे और ऊपर का मछली भी सूख जाए। अब सूखा मछली का शायद ज़्यादा रेट है क्योंकि बहुत टाइम लगता है सुखाने के लिए। देखिए अब वहाँ पे चल रहा है काम, ये लोग जुगाड़ कर रहा है जाने का, और यहाँ पे पकड़ के लेके आया है जो काफ़ी आदमी लोग। पूरा मछली मार्केट है ये, पूरा का पूरा मछली मार्केट, यहाँ पूरा का पूरा सूखा मछली दिख रहा है, यहाँ पे सब लगाया हुआ है बेचने के लिए।
और ये देखिए सब अपना अपना हिस्सा लगा रहा है और यहाँ सब ये लोग बेचेगा। अब वो देखो वो बोट रखा हुआ टेढ़ा, यहाँ पे एक बोट है जो इसको रस्सी से बांधा हुआ है कि ये पूरा गहराई तो बहुत ज़्यादा है, आपको हम घुमा कर दिखाते हैं कि बोट वो अंदर घुस गया है आधा। आप इधर देखें, हाँ तो ये देखिए ये यहाँ पे शायद ज़्यादा गड्ढा नहीं है लेकिन ये बोट घुस गया है सीधा अंदर, कि ये पानी के अंदर घुस गया है और बोट को निकाल देना चाहिए जहाँ के नहीं निकाला है ये लोग। आपको हम थोड़ा राउंड अप करके दिखाते हैं कि देखिए वहाँ पे जितना भी छोटा छोटा बोट सब है ना वो सब में भी जाता है मछली पकड़ने, और बड़ा बोट में भी मछली पकड़ने जाता है। तो बड़ा बोट में शायद बहुत दिन तक रहता होगा क्योंकि वहाँ पर रहने का है, उसके अंदर ही देख रहे हैं पूरा छांव सब बना हुआ है, उसका नीचे रहने का भी हो जाएगा लेकिन वो बोट में नहीं होगा। तो इधर से देखिए आपको शायद पूरा क्लियर से दिख रहा होगा बोट जो है पानी के अंदर घुस गया है, जो कि साइड में है बोल के ज़्यादा अंदर नहीं घुसता। अगर थोड़ा अगर अंदर रहता ना तो पूरा का पूरा अंदर घुस जाता। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आ रहा है तो आपको मालूम है क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन का बटन होगा उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। काफ़ी बड़ा मछली है वहाँ पे देखिए, मछली सब वेट कर रहा है, वेट करने के बाद वहाँ पे लिख रहा है, लिखने के बाद फिर उसके बाद वो लारी पे जाएगा। अब देखिए इधर से लेके आ रहा है मछली सब, वहाँ पे देखिए कितना बड़ा मछली है यार, इतना बड़ा बड़ा मछली है। वीडियो में शायद आपको छोटा मछली दिख रहा होगा लेकिन बहुत बड़ा है, आप वो आदमी के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आदमी जब सामने खड़ा है तो वो कितना बड़ा मछली है। दो मछली काफ़ी बड़ा मछली दिख रहा है ये वहाँ पे अंदर, फिर यहाँ पे बर्फ़ डाला, बर्फ़ डालने के बाद ये मछली सेटिंग कर दिया, सेटिंग करने के बाद जो है फिर उस पर से ये आइस डाल देगा। ये देखिए अब उसके ऊपर से आइस, अभी फिर उसके ऊपर मछली, यार काफ़ी हैवी मछली दिख रहा है यार। हाँ फिर उसके ऊपर से बर्फ़, बर्फ़ डालने के बाद जो है अब सीधा उठाएगा, उठाने के बाद सीधा अंदर। वहाँ पे देखिए बहुत सारा सेटिंग किया हुआ है मछली का सब में, वहाँ से आपको हम दिखाते हैं लाइन से, शायद वीडियो में सही से नहीं आ रहा होगा उसके लिए सॉरी, लेकिन यहाँ पे से बहुत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा है। वहाँ पूरा छोटा छोटा घर है, मतलब घर बड़ा है लेकिन दूर से देखने में छोटा छोटा लग रहा है। ये सब बीच का सामने है जो हम लोग वहाँ से आए हैं, वो देखिए वहाँ पे एक मंदिर था जो हम बताए थे आपको, वो मंदिर यहाँ से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कैमरा में दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये बता नहीं सकते, लेकिन मेरे को यहाँ से क्लियर दिख रहा है वो मंदिर कि एक बोट दूसरा बोट को टान के लेके जा रहा है। शायद आपको वहाँ सही से नहीं दिख रहा होगा, वो बोट को टान के लेके जा रहा है, रस्सी वहाँ पे बांधा हुआ है जो कैमरा में शायद नहीं दिख रहा होगा। गाइस आज धूप तो नहीं निकला है और टाइम हो रहा है अभी 10 बज गया मगर धूप अभी तक नहीं निकला है। अब देखिए यहाँ पे भी बंद कर दिया है जहाँ जबकि जाने दे रहा है, देखिए यहाँ से हम गाड़ी घुमाएं और गाड़ी घुमाने के बाद जो है सीधा इस तरह से बस स्टॉप से, ये देखिए पहला वीडियो में भी मेरा बस स्टॉप दिखाया हुआ है, ये मेन बस स्टॉप है और यहाँ से हम लोग पार। अब देखिए यहाँ पे ये लॉकडाउन मारा हुआ है, जब जाने दे रहा है वो पूरा हटा देना चाहिए वरना नहीं जाने देना चाहिए। पूरा साफ सुथरा जगह है और कुछ भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या बनाया है, यहाँ पे कुछ बनाया है जो हम अभी तक नहीं देखे थे और ये अभी हम दिखा देते हैं वीडियो आपको। देखिए यहाँ पे कुछ बनाया है, मछली का बनाया हुआ है जो बॉटल का बना हुआ, काफ़ी बढ़िया, वाह सुपर। तो हम गाड़ी को आगे लगा देते क्योंकि टर्निंग में कभी भी गाड़ी नहीं रखना चाहिए, तो हम गाड़ी को यहाँ साइड पर रख देते हैं और आपको हम दिखाते हैं। देखिए आप पूरा छोटा छोटा बोतल से बनाया हुआ, साफ शायद आपको दिख रहा होगा कि ये सिर्फ बोतल है, छोटा बोतल जो इसका MRP 7 रुपया है पानी बोतल। आप ध्यान दीजिए पूरा ये बोतल का बनाया हुआ है, देखिए आप
पूरा मछली का पूरा सिंबल बनाया हुआ सिर्फ बोतल से, और अंदर क्या है ये तो नहीं मालूम, लेकिन पूरा बोतल से मछली बनाया हुआ आपको हम दिखाते हैं पूरा घुमा के, काफी अच्छा बनाया है। देखिए वहाँ पे आग जैसा बनाया है वो भी बोतल से ही बनाया हुआ है, वो आग है वो मुंह है, और देखिए यहाँ पे एक छोटा से बनाया है, और ये देखिए यहाँ पे छोटा से और यहाँ पे सामने में बड़ा से, इसको अब हम दूर से दिखाते हैं आपको समझ में आएगा। वहाँ पे देखिए आपको शायद दिख रहा होगा एक सिक्योरिटी गार्ड भी है, और उसके लिए चारों तरफ राउंड अप मारा हुआ है ताकि कोई अंदर जाके छुए ना, क्योंकि वो हल्का से बना होगा ना तो वो निकल जाएगा। बनाने वाला को सलाम है यार मेरा। अब देखिए वहाँ का बोतल भी दिया हुआ है, वहाँ पे पूरा क्लियर लिखा हुआ, उसको भी हम जूम करके आपको दिखाते हैं या सामने जाके हम आपको वीडियो दिखाते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा बना हुआ है, वीडियो देखिए काफ़ी अच्छा आने वाला है। अब उधर देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा। वहाँ पे एक लाइटिंग है, यहाँ पे एक लाइटिंग का दिया हुआ है। मेरा गाड़ी में हो गया पेट्रोल ख़त्म, और हम चलते हैं पेट्रोल लेने, फिलहाल पेट्रोल ले लेते हैं सेफ्टी में, क्योंकि पेट्रोल है जैसे कि आपको दिख रहा होगा लेकिन बहुत कम है, यहाँ पे मीटर है पेट्रोल का, तो इसको हम पेट्रोल फुल कर लेते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे कि अगर पानी रुक गया तो आगे जाने का प्लानिंग करेंगे, अगर नहीं रुका तो वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। तो गाइस वीडियो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। हम यहाँ पे पेट्रोल ले लेते हैं 530। तो वहाँ पे देखिए 530 हो गया, आपको वहाँ पे पेट्रोल का टैंक के सामने वहाँ से धुआं निकल रहा है। पेट्रोल भराने समय गाड़ी से उतर के ही भराएं। वहाँ पे हो गया है 6 लीटर, तो यहाँ पे हो गया है मेरा टैंक फुल, फुल तो नहीं बोल सकते। अब हम लोग पेट्रोल भरा चुके हैं। गाइस हम लोग का जाने का प्लानिंग था डीवीसी ब्रिज जो कि कैंसिल हो गया है, और वीडियो यहीं पे एंड है। तो प्लीज़ आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो आपको मालूम है, बताने का ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हम आगे बोल चुके हैं। तो फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।